हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि अभी हमें DPS स्कूल के अंदर है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने डक्ट लगी हुई और इसका कूलर रखा है छत के ऊपर। तो हमने इसकी डक्ट किया है 2 कमरों के लिए। यहाँ से हमने डक्ट ऊपर से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने डक्ट लगा रखे बना के। आप देख सकते हैं ये कूलर से 2 कनेक्शन दिए, एक इधर दिया है पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट उधर दिया है। ये बच्चों का नीचे हॉस्टल दिखाई दे रहा है वहाँ से लेके और यहाँ तक। ये टोटल 8 रूम है, इन 8 रूमों की ही डक्ट करनी है। इन्होंने पहले ये कूलर लगवाए रखे थे छोटे वाले कूलर, जिनसे बच्चों को मतलब कि गर्मी में मतलब कि प्रॉपर हवा नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक कमरे के अंदर मिनिमम 8 बेड रखे हुए हैं, बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते थे। तो यहाँ के एकेडमी सर ने कूलर बदल बदल के मतलब कि परेशान हो चुके थे। ये मार्केट से जो कूलर लेते हैं ये काफ़ी टाइम नहीं चल पाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी हालत कितने ख़राब है। और हम आपको अपना भी कूलर दिखाएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको अपना कूलर भी दिखाएंगे, जो देख के आप बिल्कुल ये बोलोगे अभी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया है। और ये वाला भी कूलर देखो आप कैसा हो रहा है, बिल्कुल डैमेज है। और ये हमारा कूलर देखो, अभी हम आपको छत के ऊपर लेके चलेंगे टेरिस के ऊपर, आप देखने के बाद बोलोगे अभी बहुत ही अच्छा डक्ट बनी हुई है।